तुम्हारा मोहब्बत पे कितना बिलीफ है? मोहब्बत पर? अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जिसे तुम शादी करने वाली हो वो किसी और से मोहब्बत करता है, फिर क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? मैं उस शख्स के साथ शादी से इनकार कर दूंगी। तो फिर प्लीज इनकार कर दो। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मैं बार बार अपने घर वालों को समझा चुका हूँ, मगर वो मेरी बात नहीं समझ रहे। कभी क्लास डिफरेंस को बीच में ले आते हैं, कभी सिर्फ अपनी इज्जत को। मैंने बहुत दफा तुमसे शादी से इनकार किया है, मगर लोग नहीं मान रहे। मुझे बहुत फैमिली प्रेशर है। प्लीज तुम अपनी तरफ से इनकार कर दो। ये तुम्हारा मुझे बहुत बड़ा एहसान होगा। उसका नाम अस्मा है। बहुत चाहते हैं आप उसे। तुमने उसको सच्चाई क्यों नहीं बताई? उसको ये क्यों नहीं बताया कि उसका बच्चा जिंदा है और ये बच्चा उसका और तुम्हारा है, और तुमने सिर्फ हमें गोद दिया। मुझे किसी को कोई सच्चाई नहीं बतानी है। अगर वो गलत समझ रहे तो गलत समझता रहे। शहरयार, कहाँ रह गए थे तुम? मैंने तुम्हें इतनी फोन कॉल्स की हैं, तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन घर पे रह गया था, काम से गया था। बहुत मुबारक हो। किस बात की? शहरयार, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। अस्मा ने समीर से शादी नहीं की। क्या कह रही है तुम? मेरा यकीन करो, मैंने खुद अस्मा को देखा था। वो घर के बाहर थी, वो तुमसे मिलने आई थी। शहरयार, तुम घर पे नहीं होगे ना, इसलिए वो अंदर नहीं आई होगी। तुम भी आगे ना उसकी बातों में, उस मक्कार और धोखेबाज झूठी औरत की। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। तुम ये सब इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती? मैंने उनका पीछा किया था शहरयार, और मैंने उसे समीर से बात करते हुए सुना था। समीर की बीवी माँ नहीं बन सकती, इसलिए उसने तुम्हारे बच्चे को गोद लिया है। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा है शहरयार, सिर्फ तुम्हारा। चलो उसे जाकर लेकर आते हैं। चलो मेरे साथ अभी और इसी वक्त। मैं नहीं जा सकता, और जाऊं भी तो किस मुंह से जाऊं? लेकिन क्यों शहरयार? कि मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सुपल। वो आई थी यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और इसमें बड़े बड़े इल्जाम लगा के उसको धक्के मार के इस घर से निकाल दिया था। क्या तुमने ऐसा क्यों किया शहरयार? तुमसे मिलने आई थी, तुमने उसकी वफा पे शक किया। मगर मैं भी क्या करूं? जो कुछ भी मैं देख रहा था वो सब कुछ सच ही था। वो उसके घर में रह रही थी, उसके साथ हॉस्पिटल जाती थी। ये सब एक गलत फहमी है शहरयार, मेरा यकीन करो। चलो तुम उसे सब कुछ सच बता देना, वो मान जाएगी तुम्हारी बात। जाऊंगा उसके पास। मेरी यही सजा है कि मैं सारी जिंदगी इसी आग में जलता वापस अमेरिका चला जाऊंगा और अब कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं इसमें को फेस नहीं कर सकता सुबुल। मैं शहरयार, ये सब क्या है? दिन रात तुम उसे तलाश करते रहे हो, और जब वो मिल गई है तो तुम आप पीछे हट रहे हो।